इलेक्ट्रिक वेहीकल इकोसिस्टम इसके बारे में ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए तो जिसमें अराउंड दस से बारह कंपनीज है जिसके बारे में हर एक वीडियो में एक कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक uh, व्हीकल्स या फिर ऑटोमोबाइल uh, इंडस्ट्री कैसे चेंज हो रही है वैल्यू चेन कैसे चेंज हो रही हो रही है इसके बारे में थोड़ी सी आइडिया दूंगा देन कौन से कौन से ये सेक्टर्स रहेंगे उसके बारे में एक थोड़ा सा बात करूंगा आप लोगों के साथ एंड फाइनली विल स्टार्ट विथ फर्स्ट कंपनी जिसके बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट uh, एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा और ऐसा एक दस से बारह वीडियो की सीरीज यहां पे हर रोज एक वीडियो में रिलीज करने वाला हूं सो so, इंडिया की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वर्ल्ड ओवर अगर हम देखेंगे तो फिफ्थ लार्जेस्ट है कितनी फिफ्थ लार्जेस्ट एंड बाय 2030 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेकंड या थर्ड पोजीशन पे भी आ सकती है सो लेट्स सी कि कैसे कब चीजें होती है अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा मिस्टर नितिन गडकरी जी जो एक बहुत ही जबरदस्त एडवोकेट है फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और स्पेसिफिकली ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कैसे शिफ्ट होनी चाहिए दैट्स वॉट ही इज ट्राइंग टू डू सो वहां पर उनका कहना है कि अराउंड थर्टी परसेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टारगेट रखना चाहिए हमने बाय 2030 थाउजेंड थर्टी मतलब जो भी नए व्हीकल्स सेल हो रहे तो वहाँ पे उतना मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होना चाहिए रीजन एक तो पोल्यूशन है ही मतलब जो इंटरन आईसी इंजिनस होते हैं तो उसकी वजह से पोल्यूशन होता है पेट्रोल डीजल पे जो स्पेसिफिकली चलते हैं इसीलिए उन्होंने स्क्रैपेज पॉलिसी भी तो लाई है तो वो सारी चीजें सो एंड फ्यूल प्राइसेस भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हमने देखा है सौ so, पार कर चुका था पेट्रोल अभी थोड़ा सा नीचे आया है बट वी हैव सीन दैट सेंचुरी सो वो भी एक है वहाँ पे हाई फ्यूल प्राइसेस तो उसके लिए भी एक रेप्लिका आई थिंक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज या फिर क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज दे आर फाइंडिंग इट आउट अब करंटली अगर हम देखेंगे तो ये जो हाई प्राइस वाला चीज़ हमने बात की है तो वो कंसर्न तो इलेक्ट्रिक uh, व्हीकल्स में भी है because, uh, जो होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल उसका 42% परसेंट का जो कॉस्ट है वो बैटरी का कॉस्ट है, इलेक्ट्रिक so, में ये सबसे मेटल uh, uh, वगैरह सारी चीजें लगेंगी जो लिथियम वगैरह लगेगा उसकी प्राइसेस मतलब और ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाते हैं तो प्राइसेस कैन गो डाउन टू 18 परसेंट ऑफ द व्हीकल प्राइस सो लेट्स सी कब होता है क्या होता है अब करंट प्रॉब्लम इज दैट करंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल वुड कॉस्ट 1.5 टू वन पॉइंट फाइव कॉस्ट थ्री अ पेट्रोल और डीजल व्हीकल सो दैट इज द करंट कंसर्न बट आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट फोर टू फाइव ईयर बाई टू आई थिंक एक सिग्निफिकेंटली ये कॉस्ट जो होगी वो कम हो जाएगी और ऑलमोस्ट पैरिटी uh, रहेगी दोनों में uh, जो आईसी इंजन वाले व्हीकल्स रहेंगे एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहेंगे तो ये मोटा मोटा इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में इंडिया में कैसे चीजें हो रही है इसकी बात हुई अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का वैल्यू चेन है जिसमें कौन से कौन से सेक्टर्स आते हैं तो पहला आता है माइनिंग सेक्टर दूसरा आता है सेल्स एंड कॉम्पोनेंट सेक्टर बैटरी पैक्स ओईएम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये ऐसा वैल्यू चेन रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का अब जिसमें आज हम फर्स्ट जो बात करेंगे वो है माइनिंग रिलेटेड जिसमें एक कंपनी आती है और उसका नाम है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नैलको के बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं सो नैलको ये जो कंपनी है ओब्वियसली अब यहां पे एल्यूमिनियम का यूसेज जो है वो काफ़ी ज्यादा बढ़ने वाला है स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं पहले स्टील का यूसेज बहुत ज्यादा था बट नाउ आई थिंक ग्रोइंग विथ ग्रोइंग थिंग्स आई थिंक एल्यूमिनियम का भी बहुत ज़्यादा यूज यहाँ पे हो सकता है एंड प्लस कंपनी स्पेसिफिकली लिथियम ये जो एक आप माइनिंग के हिसाब से देखोगे तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है सो करंटली नैलको ये जो कंपनी है ये इसके जो ऑपरेशन है वो मेजरली माइनिंग मेटल एंड पावर सेक्टर में है इट एल्यूमिना कैपेसिटी एल्यूमिना जो मतलब इनिशियल रॉ मटेरियल उसकी कैपेसिटी है एंड एल्यूमिनियम की अगर इंडिया की बात हम करते हैं नैलको uh, का वो है 24.3%। फोर पॉइंट मार्केट शेयर काफी अच्छा है कंपनी के पास अब ओवरऑल थोड़ा सा कंपनी के बारे में देख लिया बट इलेक्ट्रिक वेहिकल वैल्यू चेन में इसका रोल क्या हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं सो कंपनी हैज़ फॉर्म टू वर्टिकल्स विद फोकस ऑन लिथियम जहां पे माइनिंग होगी लिथियम की एंड मर्चेंट माइनिंग सेपरेटली और रिस्पेक्टिवली सो यहां पे लिथियम पे बहुत ज़्यादा फोकस है आप हम लोगों को पता है लिथियम आयन बैटरी इस पे ही तो सबसे ज्यादा फोकस चल रहा है आज अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात होती है तो सबसे ज्यादा बात हो रही है लिथियम आयन बैटरी के बारे में सो so, उस हिसाब से कंपनी इज डूइंग गुड मतलब एटलीस्ट देव टेकन सम डायरेक्शन इन दैट केस सो देर इज अ थ्री वे ज्वाइंट खनिज विदेश एंड हिंदुस्तान कॉपर एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो यह उन्होंने फॉर्म किया है देर इज अनादर ज्वाइंट वेंचर यह ज्वाइंट वेंचर जो होगा वो स्काउट करेगा फॉर एसेट्स इन एबीसी लिथियम ट्राइंगल अभी एबीसी लिथियम ट्राइंगल क्या है सो so, अर्जेंटीना बोलीविया एंड चिली ये जो रीजन है एबीसी मतलब अर्जेंटीना बोलिविया एंड चिली ये एबीसी रीजन में ऑलमोस्ट फिफ्टी फोर परसेंट ऑफ दर्ल्ड लिथियम रिजर्व है तो वहां पे कंपनी ट्राइंग टू डू लॉर्ड ऑफ माइनिंग एंड फिर वो स्ट्रेटेजिक ज्वाइंट वेंचर्स जो हुए उसके हिसाब से दे आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट ट्रेंड अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं सो देर आर नो प्रूवन रिजर्व ऑफ लिथियम इन इंडिया कंपनीज एक्सप्लोरिंग प्रोस्पेक्ट्स फॉर लिथियम सोर्सिंग इन गुजरात एंड राजस्थान थ्रू फिफ्टी फिफ्टी टू ट्वेंटी करोर पायलट प्रोजेक्ट बट अभी तक कुछ ऐसा बड़ा सक्सेस वहाँ पर मिला नहीं है अब अगर थोड़ा सा कंपनी के बारे में हम बात करते हैं तो डेफिनेटली एक एज अ पी एस यू मतलब सी पी एस ई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ये uh, तो उसका एवरेज पी रेशो हमेशा दस के नीचे रहा है बट रिसेंटली आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस फोकस द रीज पी रेशो हैज गॉन अप बियॉन्ड ट्वेंटी सो ट्वेंटी का पी ई रेशो यहां पे नजर आ रहा है बट लुकिंग एट द पोटेंशियल आई थिंक मार्केट इज ट्राइंग टू गिव लिटिल बिट ऑफ प्रीमियम वैल्यूएशन कंपेयर टू अर्लियर वैल्यूएशन हिसाब से अगर हम देखेंगे तो स्टिल इट इज अ स्मॉल कैप कंपनी विध ऑलमोस्ट टेन थाउजेंड करोड़ रुपीज ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ट्वेंटी वन का पी रेशो है द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी विच आई फील इज देयर रिटर्न रेशियोज सो रिटर्न रेशियोज बहुत ज्यादा वीक है इस कंपनी के एक से दो परसेंट ढाई परसेंट के रिटर्न रेशियोज है इट मीन्स बहुत ज्यादा कैपिटल कंपनी यहां पे यूज करती है बट अभी तक वैसे रिजल्ट नहीं दे पाई है सो दैट इज द मेन कंसर्न बट मार्केट इज लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर कंपनी इन अ वेरी पॉजिटिव वे डेट कुछ नहीं है कंपनी के बुक पे वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है ये डिविडेंड यील्ड भी काफी ज्यादा है अराउंड फोर टू फोर एंड हाफ परसेंट की डिविडेंड यील्ड है बट अभी आई थिंक दील्ड डिविडेंड यील्ड शुड गो डाउन एंड कंपनी शुड इन्वेस्ट मोर एंड मोर ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रंट जो ए बी सी ट्राइंगल में इन्होंने माइनिंग वगैरह के लिए प्रोजेक्ट्स लिए हैं ज्वाइंट वेंचर्स की है वहां पे काफी अच्छा काम इन्होंने करना चाहिए दैट्स व्हाट आई फील सो लेट्स सी क्या क्या चीजें होती है बट दिस वाज द फर्स्ट कंपनी नैलको विच शुड बी ऑन योर रडार बिकॉज बहुत सारा यूसेज यहाँ पे हो सकता है uh, इस पर्टिकुलर कंपनी uh, की तरफ से uh, जो लिथियम वगैरह की अगर माइनिंग ये सक्सेसफुली कर पाए सो दैट इज गोइंग टू बी द मेन थिंग फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल वैल्यू चेन तो मैं आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपका अच्छा लगा होगा और इफ़ यू फील दैट वी आर डूइंग गुड जॉब तो इनवेस्ट डॉट इन को विजिट करना मत भूलिएगा एंड टू लाख या फिर सत्संग ये प्रोमो कोड अभी भी एक्टिव है फॉर फ्लैट फोर्टी परसेंट डिस्काउंट ऑन आर रिसर्च सो जरूर इन्वेस्ट डॉट इन को विजिट कीजिएगा दोस्तों तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पर बने रही और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आगे दीजिए जय हिंद